बीते दिनों टीडीआई सिटी के शिविर में 3 लोगों की मौत मामले में राष्ट्रीय सफाई आयोग की सदस्य ने ठेकेदारों को तुरंत प्रभाव से पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए देने को कहा। सफाई आयोग की सदस्य अंजना पवार ने पानीपत पहुंचकर पानीपत के डीसी, एसपी और नगर निगम कमिश्नर और तमाम अधिकारियों की बैठक ली और बीते दिनों टीडीआई सिटी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के शिविर में सफाई करने उतरे 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर आयोग की सदस्य ने मीटिंग के बीच में ही ठेकेदार को बुलाकर लताड़ लगाई और लापरवाही बरते जाने को लेकर फटकार भी लगाई गई और ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से तीनों परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे को लेकर चेक बनाने को कहा गया। वहीं अंजना पवार ने डीसी और एसपी को भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर टीडीआई सिटी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए। उद्देश्य तो था जो सीवर में डेथ हुई है पिछले दिनों, 3 व्यक्ति वहाँ पर ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो गई है, उसी बारे में मैं यहाँ पर आई हूँ। और निर्देश तो यही है कि जो 2013 का एमएस एक्ट होता है एनुअल स्पेंडिंग के लिए, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना संसाधन यानी कि जो उपकरण होते हैं उस शिविर में उतारा जाना ही नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसके जो करवाने वाला व्यक्ति है उसको सजा का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि पीड़ित व्यक्ति के परिवार को, उसके आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का चेक बिना किसी रुकावट के तुरंत उनको दिया जाए। और इसी के संदर्भ में आज यहाँ पर मैं आई हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दोषी लोग हैं अगर बहाना बनाते हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई करेंगे।